अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा तहसीन। आप देख रहे हैं गल्फ पाकिस्तान। अहम तरीन खबर से आपको आगाह करते चले। सूबाई वज़ीर मदनियात और ट्रांसपोर्ट इब्राहिम हसन मुराद ने दावा किया है कि पंजाब के जिला अटक में सोने के जखायर दरियाफ्त हुए हैं। सोने की धात निकालने के लिए खाम धात के इलाके के ब्लॉक नीलाम कर दिए जाएंगे। तफसीलात के मुताबिक लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खताब करते हुए इब्राहिम हसन मुराद ने कहा है कि दरिया सिंध के किनारे पर खैबर पख्तूनख्वा में इससे पहले सोने के जखायर दरियाफ्त हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि पिंक साल्ट को बतौर पाकिस्तानी मसनूआत बैन अल-अक़वामी तौर पर रजिस्टर करवा दिया क्या है। नमक के मजीद 27 जखायर की निशानदेही भी कर ली गई है। अपना जो नमक है ये इंडियन जो है दुबई के जरिए खरीद के पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहे थे। हमने वफाकी हुकूमत को खत लिखा और इसकी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन कराई कि ये हमारा नमक है, ये कोई और मुल्क नहीं ले सकता, इससे मुनाफा नहीं कर सकते। और अब जो है इसको पिंक रॉक सॉल्ट के नाम से मंसूब किया गया है और ये पाकिस्तान की आइडेंटिटी बन गई है। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। और नंबर टू जो हम काम करना चाह रहे हैं, जिसके लिए हमने SAFC की मदद भी मांगी है, वो ये है कि पंजाब में बचा एक जगह है और इधर तकरीबन 2 अरब टन का नमक का ज़खीरा है। उस कान के जब आप मुंह पे खड़े होते हैं, माइंड माउथ जिसे कहते हैं, $10 का एक टन बिकता है। और वही नमक अमेरिका में $10 का 1 किलो बिकता है, $10 का 1 किलो। तो अगर आप 2 अरब टन को 10 से करें तो ये $20 अरब बनता है, और अगर आप उसको आगे 1000 से कर लें तो ये $20,000 अरब बनते हैं। तो ये पंजाब के जो अल्लाह ताला ने जिन नेमतों से हमें नवाजा था, हमने कोशिश की कि हम इनकी रखवाली करें, इनकी चोरी ना हो और ये सही तरीके से जिस तरह इनका इस्तेमाल होना चाहिए, जिसमें मुल्क को फ़ायदा मिलना चाहिए, मुबादला में इजाफा होना चाहिए, तो इसलिए हमने इसकी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन कराई। जी तो नासिन, ये थी ताज़ा तरीन सूरत हाल जिससे हम आपको आगाह कर रहे थे। मजीद जानने के लिए देखते रहिए गल्फ पाकिस्तान। इसी के साथ आयशा तहसीन को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब गल्फ पाकिस्तान।